हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुजराती दाल। इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुजराती दाल बनाने की सामग्री है, 1 कप तुअर की दाल है जिसे हमने धो लिया है, 1 बड़ा टमाटर है जिसे हमने बारीक काट लिया है, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 4 से 5 कोकम, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गुड़, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच तेल, 1 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, 2 हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। दाल के लिए तड़का लगाने की सामग्री है, 1 छोटी चम्मच राई, 1 छोटी चम्मच जीरा, 7 से 8 करी पत्ता, 1/3 चम्मच हींग, 1/3 चम्मच मेथी, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच घी और दाल पकाने के लिए पानी। प्रेशर कुकर में हम तुअर की दाल डालेंगे, टमाटर डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, कोकम डालेंगे, गुड़ डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, अदरक का पेस्ट डालेंगे, तेल डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और 2 ग्लास पानी डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे, सीटी लगाएंगे और तेज आंच पर 5 सीटी होने तक पकाएंगे। 5 सीटी हो गई है, प्रेशर कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है। दाल को हम चेक करेंगे। देखिए, दाल हमारी बहुत ही अच्छे से पक गई है। दाल को हम दूसरी ओर रखेंगे और दाल के लिए तड़का तैयार करेंगे। पैन गरम हो गया है, घी डालेंगे। घी गरम हो गई है, राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, मेथी दाना डालेंगे, जीरा ब्राउन हो गया है, साबुत लाल मिर्च डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे, हींग डालेंगे, मिला लेंगे। तड़का हमारा तैयार है, अब इसमें हम पकी हुई दाल को डाल देंगे। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, मिला लेंगे। दाल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपको बहुत ज्यादा गाढ़ा दाल लग रहा हो तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं। अब इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डालेंगे, और मिलाएंगे। गुजराती दाल बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और गर्मा गर्म दाल को परोसेंगे। गर्मा गर्म गुजराती दाल बनकर तैयार है। दाल को आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।